कक्षा अष्टम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाथा आरा। एक बार पुनः आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हूँ। और आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको इतिहास में पाठ दो, कंपनी की सत्ता की स्थापना के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ। कंपनी की सत्ता की स्थापना, कंपनी अर्थात यहाँ बात की गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ये जानने का प्रयास करेंगे, आपको मालूम ही होगा कि भारतवर्ष में व्यापार करने के उद्देश्य से विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम बना रहा तो उसमें पुर्तगाल के व्यापारी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए 1498। इसके बाद डच व्यापारिक कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई 1602 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कहने का मतलब है कि जो भी यूरोपीय देश थे जो कि व्यापार के उद्देश्य से हमारे भारतवर्ष में आए, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के व्यापारी, तो इनका ये उद्देश्य था कि हम पूर्वी देशों से जो व्यापार शुरू करेंगे अर्थात पूर्वी देश भारत, तो यहाँ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ये आए। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें ये समझेंगे कि इसी संदर्भ में कि वाणिज्यवाद किसे कहा गया। तो वाणिज्यवाद जो विचारधारा है वाणिज्यवाद से संबंधित, इस विचारधारा से कहा गया है कि 1600 से 1800 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश इस विचारधारा से प्रभावित थे। ये विचारधारा क्या थी? तो वाणिज्यवाद से संबंधित जो विचारधारा थी वह इस सिद्धांत पर आधारित थी कि किसी भी देश के लिए मुख्य रूप से व्यापार कमाने, व्यापार में मुनाफा, व्यापार में अधिक मुनाफा कमाया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी देश के लिए मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाया जाना चाहिए। वाणिज्यवाद की इस विचारधारा के अनुसार अधिक से अधिक मुनाफा व्यापार के माध्यम से कमाया जाना तभी संभव था जबकि कच्चा माल जो है कम कीमत पर प्राप्त हो और तैयार माल जो है अधिक से अधिक दामों पर बेचा जा सके। इसके साथ ही ये भी अनिवार्य था इस विचारधारा के अंतर्गत कि व्यापारिक क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदिता ना हो, मतलब प्रतियोगिता की स्थिति भी ना हो। इसीलिए
बहुत से जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने क्या किया कि निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया अपने क्षेत्र में और आयात व्यापार को जो है उस पर प्रतिबंध लगा। तो इस प्रकार 1600 से 1800 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश वाणिज्यवाद की विचारधारा से प्रभावित रहे। आप समझ गए होंगे कि वाणिज्यवाद की विचारधारा क्या थी, कि व्यापारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा जो है व्यापार के माध्यम से जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाना चाहिए और इसके लिए अनिवार्य था कि कच्चे माल की प्राप्ति कम से कम कीमत पर की जाए और तैयार माल को अधिक से अधिक कीमत पर बेचा जाए। साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्रों में प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता की स्थिति भी बहुत कम हो और इसी की वजह से अधिकांशतः यूरोपीय देश जो थे उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया और आयात व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। तो वाणिज्यवाद के बाद अब बात करते हैं व्यापारिक युद्धों की। व्यापारिक युद्ध क्या थे? व्यापारिक युद्ध अर्थात 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक कारणों से होने वाले युद्ध, इसकी और व्याख्या करते हैं। तो वाणिज्यवाद के कारण इसको समझना होगा कि वाणिज्यवाद के कारण उपनिवेशों की स्थापना की होड़ लग गई। यूरोपीय देशों ने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना उन्होंने शुरू कर दिया, उपनिवेश स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या कारण था? वाणिज्यवाद की नीति से प्रभावित थे, उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक हम उपनिवेश स्थापित करें, इससे हमको व्यापारिक लाभ मिलेगा। तो वाणिज्यवाद ने उपनिवेश स्थापित करने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया यूरोपीय देशों में और विभिन्न जो यूरोपीय देश थे, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके द्वारा अपने व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, भारत में इनका आगमन हुआ व्यापार करने के उद्देश्य से। और भारत में जो कि सूती वस्त्र, सिल्क के मामले में बहुत ही उन्नत किस्म के कपड़े तैयार किए जाते थे भारत में, जिसकी मांग बहुत अधिक थी यूरोपीय बाजारों में। इसके अलावे भारतीय मसालों जैसे कि इलायची, दालचीनी, लौंग, इन सब की भी यूरोपीय बाजारों में अधिक मांग। और ये जो यूरोपीय देश के जो व्यापारी भारत में व्यापार करना चाहते थे, तो इनका क्या प्रवृत्ति था, ये एक ही तरह की वस्तुओं का व्यापार करना चाहते, एक ही तरह की वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का नहीं, अलग अलग वस्तुओं का व्यापार करते तब तो इनके बीच संघर्ष होता ही नहीं, लेकिन एक ही तरह की वस्तुओं का व्यापार करना चाहते। अब इसमें क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से इनको व्यापारिक घाटा उठाना पड़ा, व्यापार में मुनाफा कम होने लगा। ऐसी परिस्थिति में इनके सामने अब एक विकल्प ये था कि व्यापारिक क्षेत्रों में अन्य जो प्रतिद्वंदी बने हुए थे, व्यापारिक प्रतिद्वंदी, उनको अपने रास्ते से हटा दिया और व्यापारिक क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित किया जाए। मतलब भारत में भारतीय व्यापार पर जो है एकाधिकार स्थापित करने का इन्होंने मन बना लिया।
तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक उद्देश्यों से 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच जो संघर्ष हुए, तो वो संघर्ष व्यापारिक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इस संघर्ष में सफलता किसको मिली? तो अंतोगत्वा सफलता मिली ब्रिटेन, ब्रिटेन को सफलता मिली। और आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा निर्गत किए गए चार्टर के तहत, चार्टर के तहत हुए। चार्टर क्या था? तो चार्टर में उल्लेख किया गया था कि भारत, भारतीय व्यापार के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार होगा, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों में कोई भी ब्रिटेन की अन्य व्यापारिक कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझ गए आज की कक्षा में वाणिज्यवाद, व्यापारिक युद्ध के कारण से संबंधित हमने विभिन्न तथ्यों की चर्चा की। आप भलीभांति समझ गए होंगे, ये हमारी अपेक्षा है। और आज के टॉपिक, आज के विषय और उससे संबंधित टॉपिक में बताए गए विभिन्न तथ्यों को आपने अपने कॉपी में नोट भी किया होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में अन्य टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। और आज के तथ्यों के आधार पर आप प्रश्न निर्माण करेंगे। उदाहरण स्वरूप मैं बता देता हूँ, जैसे कि वाणिज्यवाद से क्या समझते हैं, व्यापारिक युद्ध से क्या समझते हैं। तो इस प्रकार आज के तथ्यों के आधार पर प्रश्न निर्माण कर उसका उत्तर व्यवस्थित ढंग से अपने कॉपी में लिखेंगे। और शेष अगली कक्षा में पुनः एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ मैं फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।